जैसा कि हमारा कल जो था वो जिसमें हमारी सारी सारी स्टडी जो होती है वो नेचुरल थिंग्स के हवाले से, जो नेचुरल साइंस थी उसकी ब्रांचेस के हवाले से स्टडी हुई थी, उसमें हमारे यहाँ बेटा जो सारी की सारी जो यानी कि मॉडर्न ज्योग्राफर हैं वो ऐसी साइंटिफिक बेसिस के ऊपर यानी कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट की नेचुरल थिंग्स के ऊपर जो अफेक्ट्स हैं और जो ह्यूमन लाइफ के ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर अफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे स्टडी करते हैं, कि नेचुरल फिनोमेना जो हैं वो भी स्टडीज़ किए जाते हैं और जो मैन मेड फिनोमेनाज हैं वो भी स्टडीज़ किए जाते हैं। तो अब इसमें यानी कि हमारे यहाँ जो है वो सोशल साइंसेज में हमारे यहाँ सारी की सारी जो मैन मेड फिनोमेनाज जो हैं आज वो हम डिस्कस करेंगे। मैन मेड फिनोमेनाज में इंक्लूडेड ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसमें सारी की सारी इंसानी जो एक्टिविटीज़ हैं इंसानी सरगर्मियाँ हैं वो सारी की सारी शामिल होगी इसमें। तो इंसानी सरगर्मियों में अगर हम वन बाई वन यानी कि देखेंगे कि कौन सी यानी कि इंसानी जो मज़ाहर हैं जिनकी मदद जो है सोशल साइंस में एज ए जियोग्राफी स्टडी की जाती है, तो वो नेचुरल साइंस के हवाले से अलहदा से। तो सोशल साइंस में नंबर वन की ऊपर हमारी है सोशल जियोग्राफी होगी। तो सोशल जियोग्राफी जो होगी हमारी, इसमें सोशल जियोग्राफी में हम लोग जो है वो एज ए माशरती के लिए इंसान की स्टडी करेंगे। इंसान जो है वो अरिस्टोटल का भी ये कहना था कि इंसान जो है वो माशरे का रहने वाला जो जानदार जो है में है, तो वो इंसान जो है माशरती जानदार है कि वो माशरे के बगैर, वो सोसाइटी के बगैर, वो कम्युनिटी के बगैर इंसान कभी भी नहीं रह सकता, कि इंसान जंगलों में या अकेले तनहा जिंदगी बसर कर सके नहीं। इंसान जो है कम्युनिटी के अंदर, इंसान एक सोसाइटी के अंदर रहता है, तो इंसान की माशरे के हवाले से तमाम खसूसियात जो हैं वो स्टडी की जाएगी आपके सोशल जियोग्राफी में। इंसान की लैंग्वेजेस देखी जाएगी, मुख्तलिफ यानी कि दुनिया में लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती हैं वो देखी जाएगी। इंसान की सोशियोलॉजी के हवाले से इंसान की यानी कि मुख्तलिफ माशरती निज़ाम है, मुख्तलिफ माशरे हैं, जैसे यूरोप का माशरा है, मुस्लिम माशरा है, हमारा जो पाकिस्तानी माशरा है, इंडियन माशरा है, चाइनीज़ है, अदर जो है रिलीजन के हवाले से यानी कि जो भी यानी कि सोशियोलॉजी के हवाले से सारी स्टडी की जाएगी। रिलीजन देखे जाएंगे कि कौन से मजहब के लोग हैं, किस यानी कि माशरे के कौन से मजहब के लोग हैं, जैसे पाकिस्तान में यानी कि मुस्लिम मजहब के लोग हैं, या यूरोप में या अदर में यानी कि अलहमी मजहब और गैर अलहमी मजहब लोगों के या दूसरे मजहब हैं, वो सारी स्टडी की जाएगी। तो माशरे की सारी चीज़ें जो सारी एक्टिविटीज़ की यानी कि माशरे के हवाले से जो लैंग्वेज है, रिलीजियस है, अदर चीज़ें जो है उसकी ट्रेडिशन वगैरह कल्चर जियोग्राफी में आ जाएगी, वो ये स्टडी की जाएगी। कल्चरल जियोग्राफी हमारा जो होगा, तो कल्चरल जियोग्राफी में हम जो है वो इसमें सारे इंसानी एक्टिविटीज़ जो है उनके हवाले से कल्चर देखा जाएगा। तो इंसानी एक्टिविटीज़ के ट्रेडिशंस देखी जाएंगी, इंसानी एक्टिविटीज़ की रस्म और रवाज देखी जाएगी, इंसानी एक्टिविटीज़ की यानी कि जो सिविलाइजेशंस देखी जाएंगी। तो इसमें इंसानी एंथ्रोपोलॉजी देखी जाएगी, एंथ्रोपोलॉजी में सारी की सारी चीज़ें हमारे ट्रेडिशंस होंगे, हमारे रस्म और रवाज होंगे, हमारे क्या जो है यानी कि कल्चर में रस्म और रवाज हैं, हमारे जो जैसे हमारे हर माशरे की हर जो है यानी कि कल्चर के हवाले से हर रीजन की जो है वो ड्रेस अलग है। हमारे इंडियन या पाकिस्तानी जो है हमारा जो है वो ड्रेस शलवार कमीज़ है, जो यूरोपियन है वो उनका पैंट शर्ट है, या जो अदर जो है सर्दी गर्मी के लिहाज से यानी कि मौसम के लिहाज से जो हमारे यहाँ यानी कि गर्मियों में जो है वो कॉटन या लॉन्ग जो है वो यानी कि क्लोथ इस्तेमाल किया जाता है, जो अदर जो यूरोपियन है जीन्स या जो वार्म क्लोथ है वो पहनते हैं, तो उसके हवाले से सारी की सारी यानी कि चीज़ें यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में ड्रेस के हवाले से, फिर आपकी जो हाउस होल्ड पैटर्न है उसके हवाले से, जैसे कि यानी कि हमारे यहाँ जो आपका नदर एरिया है पाकिस्तान में स्लोप छतें बनाई जाती हैं, हाउस होल्ड पैटर्न में बर्फबारी के दिन में यानी कि स्नो फॉल है वो ऊपर घरों की छतों के ऊपर जमा हो, सारी चीज़ें यानी कि कल्चर में देखी जाएगी। हमारी डाइट देखी जाएगी, हमारी खुराक देखी जाएगी यानी कि हमारी फूड देखी जाएगी। हम लोग जो पाकिस्तानी हैं या इंडियन लोग हैं पराठा खाते हैं, समोसा खाते हैं, या अदर जो बिरयानी है हमारे जो यानी कि कल्चर में जो है हमारे फूड्स में शामिल है वो चीज़ें हैं,
तो फास्ट फूड है, पिज्ज़ा है, अदरक जो है, बर्गर है, वो यूरोपियन के कल्चर की चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। इंडियन कल्चर सुनने के लिए चाइनीज़ के जो फ्राइड राइस हैं, चाइनीज़ की चीज़ें हैं वो उनके हवाले से, इनकी सारी कल्चर स्टडी एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से ये ट्रेडिशन देखी जाएगी। फिर यानी कि हमारे यहाँ सिविलाइजेशन देखी जाएगी कि ओल्ड सिविलाइजेशन जो थी वो यही कि क्या थी, जो यहाँ जो हम मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है जदीद तहजीबें जो है, अब जो मॉडर्न जो सिटीजन्स हैं, अब जो जदीद जो शहरी हैं वो कौन सी तहजीब के तहत जिम्मेदार रहे हैं। हमारे खत्ते में जैसे हड़प्पा की तहजीब थी, हमारे खत्ते में जैसे पाकिस्तान के इंडस सिविलाइजेशन के हवाले से मौजूदा की तहजीब थी, या अदर जो सिविलाइजेशन थी वो स्टडी की जाती है हिस्ट्री के हवाले से, और सारी की सारी यानी कि कल्चर में ये सारी चीज़ें जो डिस्कस होती हैं, तो उसके हवाले से अब यहाँ के लोगों की क्या तहजीब है, कौन से शहरी कहते हैं, पाकिस्तानी शहरी है, या मात्रा के लिए रीजन वाइज देखा जाता है कि ये लोग जो है वो सब कॉन्टिनेंट के बड़े स्केल के सिविलाइजेशन जो है, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाएंगी। इकोनॉमिक जियोग्राफी देखी जाएगी आगे, इकोनॉमिक जियोग्राफी में हमारे यहाँ वेल्थ की क्रिएशन देखी जाएगी, दौलत की तकसीम देखी जाएगी, दौलत पैदा कैसे की जाती है, दौलत जो है पॉजिटिव तरीके से भी, दौलत जो है नेगेटिव तरीके से। अब एक स्मगलर जो है वो भी दौलत पैदा करता है, अब जो आम लोग जो है वो भी सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी दौलत पैदा करता है, जो एक टीचर है वो भी दौलत पैदा करता है, जो एक डॉक्टर है वो भी दौलत पैदा करता है, ठीक है, जो एक लायर है वो भी दौलत पैदा करता है अपने क्लाइंट से। तो मेन चीज़ इसमें कि सारी की सारी वेल्थ क्रिएशन के एक स्मगलर है, या एक जो इनके स्मगलर करने वाले हैं, या एक जो थीफ है, एक जो चोर है, वो भी सारी की सारी इनके दौलत पैदा करने के लिए काम करता है। तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव पहलू सारी के लिए इनके वेल्थ क्रिएशन देखिए, किस रिसोर्सेज से दौलत जो है, कौन से वसाइल से दौलत पैदा की जाती है, दौलत की वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाएगी, दौलत की तकसीम कैसी है, कि किसी माशरे में यानी कि दौलत की तकसीम चंद खानदानों में, चंद लोगों तक महदूद है, या यानी कि सारे पब्लिक को सारे यानी कि आम लोगों तक यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है या अनइक्वल है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि दौलत के हवाले से स्टडी की जाती है। जियोग्राफी में यूटिलाइजेशन देखी जाती है कि दौलत की लोग जो है वो यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, कि दौलत की तकसीम कैसे करते हैं, कि लोग अपने ऊपर उसकी तकसीम करते हैं, या लोग जो है उसकी तकसीम जो है वो इनके मुख्तलिफ जो है खितों के हवाले से देखा जाता है, मुख्तलिफ मुल्कों में जो है जैसे पाकिस्तान और हमारे इंडिया की जो वेल्थ की यूटिलाइजेशन है वो हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो डिफेंस के ऊपर जो है एक्सपेंस हो जाता है। तो इस हवाले से यही देखा जाता है, ऐसे लोगों में देखा जाता है कि लोग अपने लाइफ स्टेटस के लिए, अपने मैार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए, कौन सी ज़रूरियात के लिए सारी जो चीज़ें यूटिलाइजेशन करते हैं, अपनी मेडिकल की फैसिलिटीज़ के लिए, तो अपनी सेहत की फैसिलिटीज़ के लिए, तो सारी चीज़ें ये इसमें डिस्कस की जाती है। रीजनल जियोग्राफी है आगे हमारे यहाँ, रीजनल जियोग्राफी में हमारे यहाँ लोकल जो रीजन हैं उनकी स्टडी की जाती है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में जो लोकल रीजन देख रहे हैं, हमारे यहाँ नदरन और सदर पंजाब बन चुका है, ऐसे ही हमारे यहाँ पंजाब रीजन है, सिंध रीजन है, बलोचिस्तान है, के पी की है, उसमें कश्मीर है, उसमें आपके आजाद कश्मीर की रीजन है, उसके बाद जो है हमारा गिलगित बल्तिस्तान जीबी का रीजन है। सारी की सारी रीजन के हवाले से सवाल गिलगित बल्तिस्तान का स्टडी की जाता है, लोकल रीजन की प्रोवेंस के हवाले से स्टडी की जाती है एक कंट्री में, एक मुल्क में, ठीक है। उसके बाद जो है यानी कि छोटी रीजन जो है दुनिया में यानी कि उनके हवाले से यानी कि तो वो स्टडी की जाती है। बड़ी रीजन्स जो मैक्रो लेवल के ऊपर हैं वो स्टडी की जाती है, जैसे मैक्रो लेवल के ऊपर हम पाकिस्तानी जो है, एज ए जो है बांग्लादेश जो है, सब कॉन्टीनेंट रीजन के बड़े स्केल के लोग यानी कि कहलाएंगे, कि हम इंडियन रीजन के लोग भी कहलाएंगे, यानी कि हमारे यहाँ हमारा लिबास कौन है, हमारी खुराक कौन है, हमारी लैंग्वेज कौन है, उर्दू बोलते हैं सारे के सारे, तो दुनिया की 6.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब के करीब जो पॉपुलेशन है वो उर्दू बोलती और समझती है। तो इस सब कॉन्टीनेंट के जो लोग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अदर कंट्रीज जो है, तो इंडिया है उसमें अदर कंट्रीज जो है, तो उसके हवाले से यानी कि इंडियन रीजन होगी, चाइनीज़ रीजन होगी, आगे जैपनीज हैं, चाइनीज़ हैं, फिलिपाइनी हैं, कोरियंस हैं, अदर जो है यानी कि, तो ये सारे के सारे जैपनीज या चाइनीज़ रीजन में आएंगे, उनकी स्टडी की जाएगी, अमेरिकन रीजन की स्टडी की जाएगी, आगे यूरोपियन रीजन की, यूरोप के पूरे लोग जो हैं
की स्टडी की जाएगी, अरेबिक रीजन में, यानी कि अरेबिक में अपना ड्रेस एक है, उनकी जो लैंग्वेज एक है, उनकी जो फूड एक है, उनकी जो डाइट एक है, तो उसके हवाले से यानी कि वो सारी स्टडी की जाएगी। अरेबिक रीजन के लोग मतलब अफ्रीकन रीजन के लोग जो हैं उनकी स्टडी की जाएगी। मुख्तलिफ रीजन जो है माइक्रो लेवल के ऊपर भी और मैक्रो लेवल के ऊपर भी इसकी स्टडी की जाती है। रीजनल जियोग्राफी जो है इसकी स्टडी फैसल में आगे बिहेवियर जियोग्राफी जो है, बिहेवियर जो है उसके हवाले से इंसान का रवैया कैसा है, इंसान की साइकोलॉजी कैसी है, इंसान की साइकोलॉजी के हवाले से इसमें स्टडी की जाती है। इंसान की साइकोलॉजी में उसका इंसान की जो है थिंकिंग देखी जाती है, इंसान की सोच देखी जाती है, इंसान का माइंडसेट देखा जाता है कि इंसान का माइंडसेट कहता है इंसान की, यानी कि अक्सर जो सोशियोलॉजी के लोग हैं वो कहते हैं कि इंसान की माइंडसेट के हवाले से इंसान जो है एक्सट्रीमिज्म एनवायरमेंट, यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी, यानी कि बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा कूल क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा बर्फबारी, बहुत ज़्यादा गर्मी के इक्वेटर लाइन के खत्ते जो है जैसे बांग्लादेश है, तो वहाँ लोगों की थिंकिंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा, यानी कि वो हाइपर किस्म के लोग, यानी कि बहुत जल्दी हाइपर किस्म के लोग हो जाएंगे, तो वहाँ यानी कि थिंकिंग जो है लोगों की उसके हवाले के माहौल के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से वो क्रिएट हो जाती है, कि थिंकिंग जो है वो थोड़ी सी यानी कि उसमें एक्सट्रीम एकदम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ये आपकी साइकोलॉजी के हवाले से, इंसान के हवाले से स्टडी की जाती है, रीजन्स के हवाले से, मुख्तलिफ रीजन्स के हवाले से, मुख्तलिफ जो है जोन्स के हवाले से, गर्मी के सर्दी के जोन्स जो है उनके हवाले से, ये साइकोलॉजी के हवाले से ये सारी की सारी चीज़, इंसान की नफ्सियात कैसी है, इंसान कौन से खत्ते के इंसान किस तरह के हैं, ये सारी इंसानी इंडिविजुअल तौर के ऊपर एक इंसान जो है उसके हवाले से कि उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी यानी कि थिंकिंग वे क्या है, उसकी सोच के तरीके क्या है, सारी की सारी ये स्टडी की जाती है। पॉपुलेशन जियोग्राफी आगे, पॉपुलेशन जियोग्राफी में जो है इसमें डेमोग्राफी और पॉपुलेशन जियोग्राफी दोनों रखी हैं, यानी कि तो पॉपुलेशन जियोग्राफी जो है, पॉपुलेशन जियोग्राफी में पॉपुलेशन देखी जाएगी, इसमें पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाएगी कि इसमें जो है पूरी वर्ल्ड लेवल के ऊपर देखी जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, कि कौन से जो मेन रीजन्स हैं वहाँ मेजर पॉपुलेटेड जो रीजन्स हैं वहाँ आबादी ज़्यादा है, और जो पॉपुलेशन के वजह से मतलब जो रीजन्स हैं इसके वजह से उनकी डेंसिटी देखी जाएगी, कौन से रीजन में डेंसिटी ज़्यादा है, कौन से रीजन में डेंसिटी उनकी गंजानी जो है वो यानी कि कम है, डेंसिटी की गंजानी की एक यानी कि एरिया में आबादी ज़्यादा या कम लोग, तो फिर उसके हवाले से जो फिर आगे कंट्री लेवल के ऊपर या लोकल लेवल के ऊपर एक रीजन छोटी रीजन है उसमें भी तकसीम देखी जाएगी, कि जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है हमारे पंजाब में और हमारे जो है सुबह आपका सिंध में पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, बनस्बत जो है आपका केपे की और जो आपका बलूचिस्तान है वहाँ डेंसिटी कम है, आबादी कम है, ऐसे ही हमारे यहाँ यानी कि जो रीजन वाइज भी इंडिया रीजन में आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इसके हवाले से यानी कि दुनिया में मुख्तलिफ रीजन की स्टडी भी की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। तो जनूब मशरक एशियन इंडोनेशिया मलेशिया उन कंट्रीज में बाकी बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन के रीजन्स के हवाले से यानी कि स्टडी की जाती है। फिर पॉपुलेशन के हवाले से हमारे पाकिस्तान में लोकल लेवल के ऊपर आ जाएँ तो हमारे पंजाब में हमारे बहावलपुर में देखा जाएगा, तो हमारे बहावलपुर में यानी कि अगर हम थोड़ा सा सेटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे तो यानी कि हमारा जो डेजर्ट एरिया है उसमें आबादी की डेंसिटी कम है हमारे हासरपुर में हमारे बहावलपुर में, और जो हमारा यानी कि ग्रीन एरिया है जो हमारा जो ग्रीन स्पेसेस का एरिया है जो हमारा जो एग्रीकल्चरल एरिया है वहाँ हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। फिर इसमें डेंसिटी देखी जाएगी, एग्रीकल्चरल डेंसिटी देखी जाएगी कि एग्रीकल्चर के हवाले से इसको काउंट किया जाएगा, फिर इसके हवाले से ऑटोमेटिक डेंसिटी देखी जाएगी, फिर इसकी यानी कि गंजानी देखी जाएगी, असाबी गंजानी जिसको कहेंगे यानी कि तो ज़री गंजानी एग्रीकल्चर डेंसिटी होगी, और फिर उसके बाद हमारी जो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होगी कि हमारी यानी कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में जो लोग काउंट किए जाएंगे एक यानी कि जगह के ऊपर कौन सी यानी कि खत्ते में कौन से कितने लोग हैं, तो उससे आदि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी देखी जाएगी, गंजानी देखी जाएगी पॉपुलेशन जियोग्राफी में। फिर हमारी डेमोग्राफी आ जाएगी, डेमोग्राफी में जो ऐसे पॉपुलेशन जियोग्राफी के हवाले से डेमोग्राफी में हम लोग जो है वो मतलब जो है इंग्लिश में डेमोग्राफी के हवाले से जो इस्तेमाल करेंगे कि इसमें डेमोग्राफी में पॉपुलेशन
पॉपुलेशन की जो मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉपुलेशन की स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमारी डिस्कस होगी। उसमें बर्थ रेट देखा जाएगा, एक रीजन वाइज देखा जाएगा, एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखा जाएगा बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ठीक है। उसमें जो है एक पैरामीटर्स देखे जाएंगे, जैसे अभी COVID-19 के दौरान हमारे जो है पॉपुलेशन वाइज एज पैरामीटर्स में, यानी कि एज कौन सी एज के लोग ज़्यादा हैं, हमारे यंग पीपल्स थे जो ज़्यादा थे, एज ए यूरोपियन जो है वहाँ ओल्ड एज के जो पीपल्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो उसके हवाले से यानी कि लोगों के हवाले से अकाउंट किया जाता है कि किस रीजन में कौन सी आबादी है, एज पैरामीटर के हवाले से खास कर ये अकाउंट किया जाता है। तो फिर ये सारे एज की खूबसूरत जो है वो डेमोग्राफी में, यानी कि आबादी का मतलब जो है वो सारी की सारी डेमोग्राफी में देखी जाती है। पॉलिटिकल जियोग्राफी है, अरे पॉलिटिकल जियोग्राफी में हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ रूल्स देखे जाते हैं। सिस्टम ऑफ रूल्स में हमारे यहाँ के मुख्तलिफ दुनिया के कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। किसी में किंगडम्स है, किसी में डेमोक्रेसी है, किसी में थियोक्रेसी है, किसी में फ्यूडोक्रेसी है। मुख्तलिफ जो है वो कोई कुछ मुल्क जो है वो अपने आप को लिबरल कह जाते हैं, तो उसके हवाले से यानी कि वो मुख्तलिफ जो है सिस्टम ऑफ रूल्स देखे जाते हैं। फिर उन सिस्टम ऑफ रूल्स में भी आगे यानी कि अगर किसी में यानी कि डेमोक्रेसी है तो वहाँ सिस्टम कौन सा है कि उसमें जो है प्रेसिडेंस का जो सिस्टम है, निज़ाम है, सदारती निज़ाम है, या जो आपका प्राइम मिनिस्टर का पार्लिमानी निज़ाम जो है वो है, प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम है। तो जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में यानी कि पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म होता है, तो हमारे बनस्बत यानी कि अमेरिका में या जो तुर्की में या मलेशिया में या अदर कंट्रीज जो दुनिया की हैं वहाँ सदारती निज़ाम है। तो ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं कि डेमोक्रेसी में कौन सा निज़ाम है। किंगडम देखी जाती है, बादशाह देखी जाती है, जैसे हमारे अरब कंट्रीज हैं या अदर अफ्रीकन कंट्रीज हैं दुनिया में, तो जैसे या ऐसे यानी कि अमेरिका सॉरी बरतानिया वालों के पास भी यानी कि रॉयल किंगडम है, तो उनके पास भी यानी कि, तो उसके हवाले से जापानीज़ के हवाले से भी उनकी यानी कि रॉयल फैमिली है, तो उसके हवाले से किंगडम्स के हवाले से स्टडी की जाती है कि इनके बादशाह इन मुल्कों में है, कौन सी इनके रूल्स हैं। फिर आगे डिसीजन मेकिंग यानी कि वहाँ के जो फैसले करने वाले लोग कौन हैं उसको देखा जाता है कि इसमें जो क्रिटिकल जियोग्राफी है कि वहाँ की किसी कंट्रीज के किसी खित्ते के, तो वहाँ सारी की सारी वहाँ के फैसला करने वाले लोग डिसीजन मेकर कौन है वो सारी स्टडी की जाती है। पॉलिसीज देखी जाती हैं किसी कंट्रीज की, किसी रीजन्स की, किसी खित्ते की, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है पॉलिसी सारी वो स्टडी की जाती है। जो हर कंट्रीज़ का इंटीरियर मिनिस्टर और जो है हर कंट्रीज़ का फॉरेन मिनिस्टर है, उसके हवाले से यानी कि पॉलिसीज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो देखी जाती हैं। फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है पॉलिटिक्स पॉलिटिकल जियोग्राफी स्टडी की जाती है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान जो है उसकी जो पॉलिटिक्स है वो रिलेट करती है नेबरिंग कंट्री जो है, ईरान है, अफगानिस्तान है, अदर जो है हमारा इंडिया है, तो उनके साथ जो है हमारी जो है पॉलिटिकल जियोग्राफी के हवाले से हम जो है वो उनके साथ अटैच हैं। तो वो इंडिया है, अदर कंट्रीज है, चाइना है, चाइना के साथ हमारा जो सी पैक है वो करंटली यानी कि चल रहा है, तो इसमें पूरी दुनिया के हवाले से इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो जिसके वजह से इसको सियासी नुक्ता नज़र से देखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि पूरी दुनिया के हवाले से, पूरी दुनिया में जो वीटो पावर के कंट्रीज हैं उनकी पॉलिटिक्स देखी जाती है। अमेरिकन की पॉलिटिक्स क्या है, रशियन की पॉलिटिक्स क्या है, अमेरिकन के हाथी कौन से हैं, रशियन के हाथी कौन से हैं, पूरी दुनिया में ये सारी यानी कि वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स भी इसमें स्टडी की जाती है। रीजन लेवल की एक रीजन के खिते के लोगों की क्या स्ट्रेटजीज है, सारी चीज़ें यानी कि वो इसमें स्टडी की जाती है। उसके बाद हमारी जो है वो एग्रीकल्चर जियोग्राफी है, तो एग्रीकल्चर जियोग्राफी में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जियोग्राफी जो है हमारी, उसमें हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के हवाले से देखा जाता है सोशल साइंस की सारी ब्रांचेस सोशल साइंसेज की ह्यूमन जियोग्राफी के तहत यानी कि आएगी। कि नेचर साइंस में इंसानी एक्टिविटीज से मतलब है ये सारी चीज़ें, तो एग्रीकल्चर इंसान एग्रीकल्चर करता है, इंसान मतलब क्रॉप्स जो है वो कल्टिवेट करता है उसके हवाले से, तो वो ये देखा जाएगा। सब्सटेंस एग्रीकल्चर देखी जाएगी मेन, फिर आगे कमर्शियल एग्रीकल्चर देखी जाएगी, सब्सटेंस एग्रीकल्चर जिसमें यानी कि गुजारा कास्ट देखा जाएगा, इंसान फार्मर जो है वो ओनली सिर्फ अपने गुजारे के लिए कास्ट करता है। कमर्शियल एग्रीकल्चर में ये चीज़ें देखी जाएगी कि फार्मर जो है जो किसान है वो अपने से ज़्यादा यानी कि बिग
प्रोड्यूस करता है बड़े पैमाने के ऊपर, यानी कि बड़े लेवल के ऊपर फिर प्रोडक्शन करता है, तो वो जो है क्रॉप्स जो है वो ऐसे सेल आउट करने के लिए और अपनी जरूरत के लिए दोनों के लिए यानी कि वो प्रोड्यूस करता है सेल आउट। उसमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉक्स होता है वो ज़्यादा यानी कि हाई लेवल के ऊपर प्रोडक्शन के बड़े पैमाने के ऊपर सेल आउट करने के लिए कमर्शियल जियोग्राफी। तो एग्रीकल्चर जियोग्राफी की मेन आगे यानी कि सब्सटेंस की आगे मजीद टाइप्स होंगी मजीद कमर्शियल की। तो एग्रीकल्चर जियोग्राफी के हवाले से क्रॉप्स कल्टिवेशन के हवाले से देखा जाता है कि सब्सटेंस कल्टिवेशन के हवाले से की जाती है या कमर्शियल कल्टिवेशन की जाती है। तो फिर आगे सेटलमेंट जियोग्राफी होगी। सेटलमेंट जियोग्राफी में हमारे यहाँ जो सारी की सारी सेटलमेंट जो है देखी जाएगी, तो इसमें अर्बन सेटलमेंट देखी जाएगी, रूरल सेटलमेंट देखी जाएगी। अर्बन के हवाले से देखा जाएगा हमारे जो अर्बन जो हमारे शहर हैं दुनिया में वो किस तरह से अर्बन जो है स्प्रेड हो रहा है, अर्बन जो एरिया जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं, अर्बन एरिया जो है वो फैल रहे हैं बढ़ रहे हैं, क्या पैटर्न है उनका, किस पैटर्न के तहत वो बढ़ रहे हैं, क्या वहाँ सिस्टम है, फिर वहाँ जो अर्बन एरिया में जो है वो सारे की सारी प्रॉब्लम्स क्या है वो देखी जाएगी, फिर अर्बन एरियाज की जो वहाँ सिस्टम्स है वो सारे के सारे देखा जाएगा कि कौन से सिस्टम्स के तहत वहाँ यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटी के तहत या तो जो है स्मॉल सिटी के तहत या बिग सिटी के तहत यानी कि जो भी वहाँ अर्बन स्प्रेड हो रहा है वो देखा जाएगा। अर्बन प्लानिंग की जाएगी इसमें, यानी कि प्लानिंग देखी जाएगी कि आने वाले फ्यूचर हर डेकेड के बाद हर 10 साल के बाद कि वहाँ जो है इन जो अर्बन स्प्रेड हो रहा है उसके यानी कि सारे के सारे उसके कॉन्सिक्वेंस देखे जाएंगे, उसके क्या यानी कि असरात रहेंगे। तो उसके बाद यानी कि अर्बन सफरार के लिए आने वाली प्लानिंग में हर 10 साल के लिए उसके जो मंसूबे बनाए जाते हैं कि उसमें प्लानिंग के तहत आने वाले 10 साल के बाद यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ और चाहिए होगी, यहाँ एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ लोगों को और चाहिए होगी, ये सारी चीज़ें यानी कि प्लानिंग में डिस्कस की जाती हैं। फिर जो यहाँ रोड नेटवर्क या अगर जो भी हैं सारी की सारी चीज़ें सारी फैसिलिटीज जो है वो प्लान की जाती हैं। रूरल एरियाज को देखा जाता है, विलेज देखे जाते हैं, टाउन्स देखे जाते हैं, छोटी जो हैमलेट वगैरह बस्तियाँ वगैरह है वो इसमें डिस्कस की जाती है, वो सारी की सारी चीज़ें यानी कि उन वहाँ पैटर्न क्या है, लाइफ स्टेटस क्या है, वहाँ के लोगों के वसाइल क्या है, वहाँ के लोगों की इनकम क्या है, रिसोर्स क्या है, वहाँ के लोगों की जो प्रोफेशंस क्या है वहाँ के लोगों की, ये रूरल सेटलमेंट रूरल एरिया जो है वो किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें यानी कि स्टडी की जाती है। जैसे चाइना में जो है चाइनीज ने रूरल एरियाज के अंदर जो है अपने डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी जो है दुनिया में अहम किरदार अदा किया है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है उसके ऊपर भी कंट्रोल किया है और उन्होंने रूरल एरियाज में लोगों को वहाँ जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके वहाँ जो है लोगों को रोज़गार एम्प्लॉयमेंट दे के तो वहाँ से यानी कि आबादी को वहीं से मुंतकल होने से रोक लिया है। ये सारी की सारी स्टडी की जाती है सेटलमेंट जियोग्राफी के हवाले से। रिसोर्सेज जियोग्राफी जो है रिसोर्सेज देखे जाते हैं इसमें हमारे यहाँ कि जैसे हमारे यहाँ कुछ रिसोर्सेज जो हैं जैसे हमारे यहाँ पानी है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसको पोल्यूटेड होने से जैसे इसमें लेड की मकदार या अदर चीज़ें शामिल हो रही हैं उसको पोल्यूटेड होने से बचाना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कंजर्वेशन के लिए यानी कि हमें काम करना है। तो ऐसे यानी कि रिसोर्सेज रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अलावा कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे रीन्यूएबल नहीं है, जैसे हमारे यहाँ जो है फ्यूल है, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कोयला है, तो यानी कि वो आफ्टर डैन बढ़ने के बाद जलने के बाद यानी कि खत्म हो जाते हैं, तो उनमें सारे के सारे उनके हवाले से कोई उनकी आल्टरनेट पॉलिसी यानी कि हमें अडॉप्ट करनी होगी जिसमें उनके कम से कम यानी कि यूटिलाइजेशन के दरमियान उनके यूज़ के दरमियान हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मोर जो है एफिशिएंट एनर्जी हासिल कर सके, तो उसमें यानी कि उनकी यूटिलाइजेशन देखनी होगी, हाइड्रो रिसोर्सेज हमें लेनी होगी यानी कि एनर्जी के लिए, तो रिसोर्सेज को यूज़ जो है रिसोर्सेज का हमें देखना होगा किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। सस्टेनेबिलिटी देखनी होगी कि रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए 50 साल के बाद, आने वाले 100 साल के बाद बाकी बचेंगे या नहीं बचेंगे या उनके लिए क्या इसका जो अल्टरनेट होगा, तो सारी की सारी चीज़ें यानी कि हमने रिसोर्सेज जियोग्राफी में देखनी होती हैं। वेलफेयर जियोग्राफी आएगी हमारी आगे, वेलफेयर जियोग्राफी में हमारे यहाँ वेलफेयर के मतलब ह्यूमन लाइफ की वेलफेयर लाइफ स्टेटस देखा जाएगा, लोगों का मेयार ज़िंदगी देखा जाएगा, लोगों की मेयार ज़िंदगी कैसी है, ये लोग जिन्हें के गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों का लाइफ स्टेटस नॉर्मल है,
लोगों का लाइफ स्टेटस जो है वो अप है, हाई फाई किस्म की, यानी कि लोग जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो सारी की सारी यानी कि ये लाइफ स्टेटस के हवाले से जो स्टडी की जाती है वेलफेयर जो है ज्योग्राफी में। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देखी जाती है कि ज़िंदगी में ज़रूरियात लोगों को कुछ कितने हैं, वहाँ लोगों को बेसिक नीड्स भी जो है वो प्रोवाइड नहीं है उसके हवाले से। बाकी जो है इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं, इंसान की जो कंपल्सरी नीड्स जो हैं वो मिल रही है, फिर जो इंसान की लग्जरी नीड्स जो है वो यानी कि क्वालिटी ऑफ स्टेटस के हवाले से, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के हवाले से स्टडी की जाती है। तो कुछ यानी कि जो इंसान है वो लग्जरी फैसिलिटीज भी सारी की सारी यानी कि ले रहे हैं जिन्हें, तो उसके हवाले से ये वेलफेयर जो ज्योग्राफी है ये सारी इसमें स्टडी की जाती है लाइफ स्टेटस के हवाले से इंसान के। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी आएगा आपने, तो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखे जाएंगे, कम्युनिकेशन के ज़राए देखे जाएंगे कि कौन से ज़राए हैं। जैसे यूरोप में जो है यानी कि वहाँ ऐसे लोग जो है वो ज़्यादातर प्लेन या ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जहाज़ का या ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे मुल्क में लोग जो है वो ट्रैवल करने के लिए अपनी यानी कि जो गाड़ियों वगैरह में यानी कि बसों में या दूसरी चीज़ों में यानी कि सफ़र करते हैं, तो ये मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखी जाएगी। फिर यानी कि यहाँ के पैसेंजर ट्रैवल करने के लिए आम पर्सन के लिए वो इसमें ट्रांसपोर्ट की चीज़ देखी जाएगी। फिर एज मुल्क की ट्रेन के लिए यानी कि हमारे यहाँ जैसे है रेलवे के ऊपर पहले होता था, अब नहीं है यानी कि ट्रेन के ऊपर, तो कार्गो टनल जो होगी यानी कि ट्रकों वगैरह के ऊपर सामान आ जाता है। फिर मुल्कों की कंट्रीज की लेवल के ऊपर जो है शिपमेंट के लिए जो है देखी जाएगी। फिर जो फॉरन तरसीजा पहचानी होती है वो यानी कि भाई ट्रेन कार्गो टर्मिनल देखे जाएंगे। फिर जो आप शिप के लिए जैसे हम पाकिस्तान में ग्वादर जो है बने जा रहे हैं और अदर जो है उसके हवाले से, तो वहाँ से यानी कि जो मुल्कों की ट्रेड होती है आपस में उसके हवाले से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए देखे जाएंगे कि किसी मुल्क को यानी कि एज ए गर्म समुद्र की जो बाउंड्री है वो टाइट करती है, तो वहाँ जो है ट्रांसपोर्ट के लिए जो है शिप कई फैसिलिटीज होंगी एज ए दुनिया से ट्रेड करने के लिए पूरी वर्ल्ड के हवाले से। तो ये सारी पॉलिसीज जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी डिस्कस किए जाते हैं। फिर अगर जो है यानी कि जो इसके हवाले से पॉलिसीज बनाई जाती है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में यानी कि मुख्तलिफ इसकी पॉलिसीज बनाई गई हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, इसमें पाकिस्तान में जो आपकी मोटरवेज बनाई जा रही है पाकिस्तान में या अदर शहरों के अंदर जो अर्बन ट्रांसपोर्ट होती है उसके लिए जो है आपकी मेट्रो बसेज या दूसरी चीज़ें जो है बनाई जा रही हैं, आपकी जो शटल ट्रेन वगैरह जो है, तो वो सारी की सारी ट्रांसपोर्ट के हवाले से स्टडी की जाती है। फिर जो है ट्रांसपोर्ट के हवाले से इनके पूरी जो है ट्रेड लेवल के हवाले से भी ट्रांसपोर्ट और जो एज ए पैसेंजर लेवल के हवाले से भी ट्रांसपोर्ट जो है वो सारी दोनों इसकी स्टडी की जाती है। तो ये सारी सारी चीज़ें जो होंगी हमारी यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, अब इसमें और बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनको यहाँ तो हमने के 10-12 इंक्लूड किए हैं। तो जो भी इंसानी एक्टिविटीज़ जब से इंसान आया है और जब तक इंसान दुनिया में यानी कि काम करता रहता है तो दुनिया में मौजूद है, तो सारी की सारी इंसानी एक्टिविटीज़ की जो स्टडी होगी वो सारी की सारी सोशल साइंसेज में जाएगी। अब हम यानी कि डिस्कस करेंगे आगे, मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखूँगा। तो ये हमारी कल जो थी यानी कि हमने ऐसे मॉडर्न ज्योग्राफर जो थे वो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर जो थे स्टडी करते थे जो नेचुरल थिंग्स की, क्या जो कुदरती चीज़ें हैं यानी कि उनकी, और जो यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जो इंसानी जो है सरगर्मियाँ हैं उनकी। तो उसमें यानी कि नेचुरल थिंग्स जो हैं वो नेचुरल साइंस में सारी की सारी चली जाती हैं। फिर एनवायरनमेंट का जो आगे भी टॉपिक्स आना है, एनवायरनमेंट का अफेक्ट्स नेचुरल थिंग्स के ऊपर आ जाना है, एनवायरनमेंट का अफेक्ट्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर आ जाना है वो सारे के सारे। तो उसमें यानी कि नेचुरल साइंस में सारी नेचुरल थिंग्स और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी सोशल साइंस में। अब हमारी जो है जो मैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर लिखने जा रहा हूँ उसके हवाले से फिज़िकल जियोग्राफी, जिसमें हमारी वो सारी की सारी जो कल हमने फिज़िकल की हवाले से डिस्कस की थी नेचुरल थिंग्स की चीज़ें जो है वो उनकी स्टडी होगी, और जो फिज़िकल जियोग्राफी में और जो हमारी दूसरी होगी सोशल जियोग्राफी के हवाले से यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के हवाले से, वो हमारी ह्यूमन जियोग्राफी मेन जो बड़ी टू ब्रांचेज हैं वो चीज़। जी बेटा, जैसे हमारे यहाँ यानी कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हमारे जो नेचुरल साइंसेस की ब्रांचेज हैं कल जो हमने डिस्कस की थी वो हमारी सारी फिज़िकल जियोग्राफी मेन जो फिज़िकल
जियोग्राफी और दो ब्रांचेज होंगी ह्यूमन जियोग्राफी, उसमें एनडीए के वाले से वो सारी नेचर थिंग जो है वो सारी की सारी फिजिकल जियोग्राफी में इंक्लूड हो जाएगी, उसमें शामिल हो जाएगी। और जो हमारे सोशल साइंसेज की ब्रांचेज जो है, सोशल साइंस के हवाले से हम एज ए जियोग्राफी को देखते थे, वो सारी की सारी हमारी ह्यूमन जियोग्राफी जो है, मैन मेड एक्टिविटीज जो है, सारी सरगर्मियाँ जो है, उसमें हमारी सारी की सारी सोशल साइंसेज की जो ब्रांचेज हैं वो इंक्लूड हो जाएंगी, वो उसमें शामिल हो जाएंगे। और मजीद जो है इनके अगले लेक्चर जो होंगे कल यानी कि हमारे यहाँ, तो उसमें हम जो है फिर आगे फिजिकल जो जियोग्राफी है उसके हवाले से, फिजिकल जियोग्राफी के हवाले से मैन और इन्वायरमेंट जो इंट्रैक्शन पढ़े हैं उसमें हम फिजिकल इन्वायरमेंट और नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। तो मैन और इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन में फिजिकल इन्वायरमेंट जो होगा वो हमारे का सारा फिजिकल जियोग्राफी में होगा, और जो नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट होगा वो हमारे का सारा सोशल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, मैन मेड एक्टिविटीज, उसमें नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट वो शामिल होगा। तो मजीद यानी कि अगले लेक्चर में हमारी डिस्कशन जो वो इन चीज़ों के हवाले से होगी, फिजिकल इन्वायरमेंट और नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट, और जो आगे इसके ट्रेडिशंस जो है जियोग्राफी की वो हमारी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो डिस्कशन होगी। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।